सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है कि चुनाव निरस्त हो गया है, एक्चुअल में जो कोड ऑफ कंडक्ट मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव अधिकारियों ने बनाई थी और माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच का फैसला था, शिकायतें आई कि लोग गेस्ट हाउस में दावतें कर रहे हैं और माइक लगाए हुए हैं, उसको संज्ञान लेते हुए चुनाव अधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि हम चुनाव स्थगित करेंगे, लेकिन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आए और चुनाव अधिकारियों से वार्ता हुई कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे और उस बात को मानते हुए पुनः मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव अधिकारियों ने अपने निर्णय में यह कहा कि चुनाव निर्धारित समय 3 अप्रैल को ही होगा और जो पहला आदेश था उसको उन्होंने संशोधित किया और चुनाव 3 अप्रैल को ही होगा, यानी परसों चुनाव हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है।